हेलो स्टारियन, हम हेलो एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की सीरीज में आज देखते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड से हम हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो हम लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, एसिड RCOOH, H रिप्लेस होकर के Ag लगा, RCOOAg, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएं इनर्ट मीडियम CCl4 के प्रेजेंस में, तो ये RBr बना देता है, AgBr बनाता है और CO2 बनाता है। कोई खास बात नहीं, सिंपल सी बात, RCOOAg प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 गिव्स आउट RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। खास बात क्या है इस रिएक्शन का नाम, ये आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका? बोरोडीन हंस डेकर रिएक्शन। क्या नाम है? बोरोडीन हंस डेकर रिएक्शन। और इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल है। कैसे होगा रिएक्शन देखिए, पहला क्लीवेज इसमें RCOOAg में O और Ag के बीच में होगा होमोलिटिक क्लीवेज, तो ये इस तरीके से हुआ Ag डॉट और O डॉट, फिर RCOO डॉट में एक बार क्लीवेज होगा, तो ये यहां से क्लीवेज होगा। तो अब इस पे डॉट और इस पे डॉट, डॉट डॉट मिलकर के ये डॉट काम, तो ये वाला हिस्सा क्या बना लिया CO2, यहां क्या आया Ag डॉट, यहां क्या आया R डॉट, और इसी तरह से ये Br2 होमोलिटिकली टूट गया, तो ये क्या दे देगा Br डॉट और Br डॉट, और ये RBr और ये AgBr। तो इस तरह से ये सिंपल सा RCOOAg, O और Ag के बीच क्लीवेज हुआ Ag डॉट O डॉट, फिर RCOO डॉट के बीच में क्लीवेज R और CO के बीच में, R डॉट और C डॉट O डॉट, C डॉट O डॉट मिलके CO2। अब याद करिए क्या फैक्ट बताया था, कोई बड़ा सा आपको मॉलिक्यूल दिया है, कंपाउंड दिया है और होमोलिटिक क्लीवेज की साइट पूछे, तो पहला रूल बताया था कि वहां से आप बॉन्ड तोड़ोगे जहां मेटल और नॉन मेटल है, जैसे यहां एजी और ओ है, ठीक है, ओ नॉन मेटल और एजी आपका मेटल, तो पहला साइट हो गया, फर्स्ट साइट ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। और दूसरा, अगर ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो लॉ ऑफ सिमेट्री, वहां से तोड़ना जहां से दो बराबर के हिस्से निकल सके। तो यहां देखिए, एक तो एजी निकाल लिया और RCOO डॉट में हम कहां से तोड़ रहे हैं, R और CO के बीच से, क्योंकि C और O के बीच में तोड़े तो एक बहुत छोटा सा पार्ट निकलेगा, तो ये इस तरह से R डॉट बन गया और R डॉट BR के साथ RBr बना लिया और Ag के साथ AgBr और CO2। अब एक एग्जांपल ले ले, हम लोगों ने ले लिया CH3COOAg सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट ले लिया और इसको Br2 के साथ ट्रीट करा रहे हैं। अगेन इसी तरीका का प्रोसेस, O और Ag के बीच में बॉन्ड टूटेगा Ag डॉट, फिर जो है CH3 और CO के बीच का बॉन्ड टूटेगा CH3 डॉट, तो एक CH3 डॉट निकला, एक Ag डॉट निकला और ये Br डॉट और Br डॉट ये जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा CH3Br, AgBr और CO2। एक और बड़ा एग्जाम्पल ले लें, C6H5COOAg ले लिया हम लोगों ने, सिल्वर बेंजोएट ले लिया, इसको Br2 के साथ रिएक्शन कराया, अगेन O और Ag के बीच में होमोलिटिक क्लीवेज, बेंजीन रिंग और CO के बीच में यहां पे क्लीवेज, तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया और ये Ag फ्री रेडिकल मिल गया, तो आपका ब्रोमो बेंजीन प्लस AgBr प्लस CO2। अब देखा गया इसकी इल्ड बहुत पुअर आती है, पुअर इल्ड, तो इसका रीजन ये बताया गया कि फेनिल फ्री रेडिकल, इस रिंग पर अगर डॉट लगाते हैं तो ये अनस्टेबल होता है, तो इसका फॉर्मेशन आसान नहीं होगा, अच्छे अमाउंट में ये नहीं बनेगा, तो एरोमेटिक हैलाइड बोरोडाइन हंस डीकर रिएक्शन से अच्छे अमाउंट में नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट जो है, यही सिमिलर रिएक्शन RCOOAg को अगर हम आयोडीन के साथ I2 के साथ ले लेते हैं तो एस्टर बन जाता है RCOOR, ये एक्सेप्शनल, यहां RI नहीं बन रहा है आयोडीन के साथ, एस्टर बन जा रहा है, इस रिएक्शन को बोलते हैं Birnbaum-Simonini रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? Birnbaum-Simonini रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म में देखिए, दो मॉलिक्यूल से रिएक्शन को समझाते हैं, एक मॉलिक्यूल एज यूजुअल टूटता है, तो एज यूजुअल टूटेगा तो क्या देगा Ag डॉट CO2 और R डॉट, दूसरा मॉलिक्यूल एक ही बार टूट पाता है, दूसरा मॉलिक्यूल एक बार टूटा RCOO डॉट और Ag डॉट,
तब तक ये आर डॉट अटैक कर देता है और ये बना देता है आर सीओ ओ आर। तो अगर आयोडीन के साथ रिएक्शन होगा तो ये एस्टर बना देगा, बेनबॉर्न सिमोनिनी रिएक्शन। थैंक यू।